नौकरी के नाम पर ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार हाय 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 हाय। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नौजवान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किया है उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सामने दिखा, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो अन्याय किया गया, जो धोखा किया गया, जो विश्वासघात किया गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इन नौजवानों को जवाब देना होगा। यह कहा जाता था कि जब यूनियन टेरिटरी बन गई, जब आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ, तो बड़े बड़े बोनांजा के ऐलान इन लोगों ने किए थे, लेकिन जो नौकरी जम्मू कश्मीर में थी उसको भी नौजवानों से छीन लिया गया। आज तमाम नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है और पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत करती है। नौजवानों के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ छल हुआ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। 5 अगस्त 2019 को 50,000 जॉब्स देने का वादा किया गया और यह कहा गया कि यह टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर 3 महीने में भर्ती की जाएंगी। कोई भर्ती नहीं हुई। 2020 में 84,000 पद भरने का वादा किया पार्लियामेंट के अंदर, कोई पद नहीं भरे गए। और अब जो पद थे जो पहले से 2019 से पहले थे वो भी विड्रॉ कर लिए गए, जिन्होंने रिटन टेस्ट पास किए थे, जिन्होंने इंटरव्यू तक दिए थे और कोचिंग करने के लिए भारी जो है खर्चा किया था, उनकी तमाम जो है लिस्टें कैंसिल करके इन नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ किया है, एक 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 एक, एक विश्वासघात किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आपने नौजवानों के हाथ में एक किस्म से कटोरा पकड़ा दिया है। आज नौजवान आहत है, नौजवान गुस्से में है, नौजवान मायूस है और पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत